रानमा भटकता हा। देवनी इस्राइली लोका सहला ते नेम सहला दाखुला साठी बंद करना जेना ते हाला बांधेल करार ने कारणे पालन करूला हा। मागून तेनी सिनाई डोंगर ने पुढ तेनी आगेवानी करी तो तेहाला वचन ने देश में ली जावला माग हता। यो देश कनान भी सांगाई जो हता। देव आबूट ने खांबला तेहने पुढ़ पुढ़ चालना अन ते तेने माग माग चालना। देवनी इब्राहिम इसाहक अन याकूबला प्रतिज्ञा करेल हती का तो वचन न तो देश तेहने वन सहला दिल पन ते समय में तठ खूब जाती रह हते ते कनानी सांगाई जो हते। ये कनानी लोका देवनी आराधना नहीं कर हता अन तेनी आज्ञाला नहीं मान हता। ते खोटे देवासी आराधना करे करो हता अन खूब वेट कामा करो हता। देवनी इस्राएली सहला सांगना जदवो तुम्ही करार ने देश में जासाल तो तटले अक्के कनानी पासून छुटकारा मेळवी ली जास तेहने हारी समाधान नको करशाल अन तेहने हारी लगीन नको करशाल। तुम्हाला तेहनी अक्के मूर्ति सहला पूरे रीते नाश करी देवला आहा। जो तुम्ही मानी आज्ञा नहीं माना तो तुम्हें माने शिवाय तेहने देवासी आराधना करूला लागसेल। जदव इस्राएली कनान ने शिवाड़ा वर जाही पूर्णात मुसानी इस्राएल ने दरेक कुल मासून एक एक करीनी बारा गोह सहला पसंद करा तेनी तेहला जाहिनी ते देशना भेद ली यवला आज्ञा दिना। का हेरा का तो देश किसा कहा तेहला ते कनानीसा भेद भी लेवला हता का ते बलवान आहत का निर्बल आहा। ते बारा गोहोसी पूरा कनान मासून हुईनी 40 दिसना प्रवास करना अन मागून त्या परत फिरी आना। तेही लोका सहला सांगा तो देश उपजाऊ आहा अन खूब पीक वाला आहा। पण 10 जासूस से सांगा तेहना शहर खूबज मजबूत अन ते लोका खूब उच्चताड आहात। जो आपले तेहावर हुमला करू तो चौक्कस रीते ते आपाला हरवी देतील अन आपाला मारी टाकतील। लेगज कालेब अन युहोशुआ अन दुसरा दोन जासूसी सांगा ये खरा आहा का कनानना लोका उच्चा अन बळवान आहात पण नक्कीज आपले तेहाला हरवी सकजहन। देव आपले साठी लढील पण लोकाशी कालेब अन युहोशुआना नाही ऐका। ते मुसा अन हारून वर रगवर ये घ्यात अन सांगनात तुम्ही आम्हाला ये भयानक जागावर कजल यान आहात। आपाला मिसरमाज राहूला पड होता। जो आपले ते देश में जायजहन तो आपले लड़ाई में मरी जाओ अन कनानना लोका आपले बायका अन पोसा सहला गुलाम बनवी लेती। ते लोका तेहाला परत मिसर में ली जावला साठी एक दूसरा आगेवानला पसंद करूला माग होता। ते लोकाशी ईसा सांगा तो देव पक्का रघुवर ये गे होता तो मिलू ना मांडव मा आना अन सांगना तुम्ही माने इरुद बळवा करना आहात ते साठी तुम्हाला अके साला ये रानमा भटकूला पड़ील। दरेक जन जो 20 वरिष का तेने करता वदारे वरिष न आहा ते तठ मरी जातील अन कदी भी जो माँ देह ते देश में प्रवेश नहीं करी सकना। फक्त काले बन यहोशुआ तेमा प्रवेश करी सकतील। जदव लोकाशी देवला ईसा सांगता आयकना तो ते दुखी हुई गेत कहा का तेही पाप करेल होता। ते साठी तेही कनान्य लोकाशावर हुमला करूला नक्की करना। मुसानी तेहला नहीं जावला साठी चेतवनी दीदी कहा का देव तेहने हारी नहीं जानार पण तेही तेना नहीं आयकनात। देव ये लड़ाई मा तेहने हारी नहीं गयल होता ते साठी कनानीसी तेहला हरवी दिनात अन तेहने मासून खूब जनसाला मारी टाकात। ता इस्राएली लोका कनान मासून परत फिरी आनात। पुढले 40 वर्ष पावत ते रानमा येव तेव भटकतील। इस्राएली लोका रानमा भटकूने 40 वर्ष दरम्यान देवनी तेहनी जरूरियात साला पूरा करा तेनी तेहाला सरग मासून माना सांगाय जह ती भाकर दिना। तेनी लावरीसा झुंडला भी तेहने छावनी मा दवाडना जेथी तेहा पासी खावला मास रह। ते पूरा समय देवनी तेहने कपड़ा सहला अन बूट सहला फाटू नहीं दिल। होड़े सुधी का देवनी तेहाला पेवला साठी चमत्कार करीनी खड़क मासून पाने काढना पण ये अख्खे से करता इस्राएली लोकाशी देवनी इरुद अन मुसानी इरुद फिराद करना कुरकुर करूला लागना। तरी पण देव विश्वास योग्य होता। त्यांनी जी प्रतिज्ञा करेल होती का तो इब्राहिम इसाक अन याकूब ने वंशासाठी जी करूला पड ती त्यांनी करा। अन एक समय जदव
त्या लोकांचा आपाशी पाणी नाही होता। देवनी मुसाला सांगा खडखारी गोठी कर अन त्याने मासून पाणी निघील, पण मुसानी खडखारी गोठी नाही करे। त्याने बदले त्यांनी काठीवानी खडकला दोन वखत झोडना, ये रीते त्यांनी देवना अपमान करा। अख्ख्या सहाला पेवलासाठी पाणी तर निघी आणा, पण देव मुसावर रगवायना। त्यांनी सांगा कहा का तू ईसा करणार, त्यासाठी तू वचन्य देशमा प्रवेश नाही करणार। जदव इस्रायली लोका 40 वर्ष पावत रानमा भटकी चुकला, तहा जेही देवने विरुद्ध बळवा करेल होता ते अखा मरी गयला। तहा देवनी ते लोकासाला फिरिनी ते वचन्य देशने शिवाडा सुदिली घे। आता मुसा खूप डवर होई गयल होता, त्यासाठी देवनी ते लोकाशी आगेवानी करूला, त्यांनी सहायता करूलासाठी यहोशुआला पसंद करा। देवनी मुसाला हारी ही प्रतिज्ञा भी करेल होता का एक दिस तो ते लोकासापाशी मुसाने जिसा एक देव सहून बोलणार दवाडील। तहा देवनी मुसाला एक डोंगरने टिकरीवर जावलासाठी सांगा, जेथी तो वचन्य देशला हेरी सक। मुसानी ते वचन्य देशला हेरा, पण देवनी त्याला तेमा प्रवेश करून परवानगी नाही दिली। तहा मुसा मरे गे अन इस्रायलीशी 30 दिवस सुधी शोक पाळणार। यहोशुआ तेहना नवा आगेवान बने गे। यहोशुआ एक बेस आगेवान होता, का त्यांनी देववर भरोसा करा अन त्याने गोठी सहाला मानना।